हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो होने वाला है लॉरियल पेरिस रूज सिग्नेचर लिक्विड मैट लिपस्टिक पर। सो इसके मैं हैंड स्वचेस रिव्यू एंड लिप स्वचेस आपको आज करके बताऊंगी। तो लॉरियल पेरिस की जो सिग्नेचर मैट लिपस्टिक है गाइस, ये अभी रिसेंटली लॉन्च नहीं हुई है, ये पहले से थी, बट इन लोगों ने अभी और भी कुछ शेड्स इनमें बिल्ड किए हैं। उसके बाद जो ये पूरा रेंज जो है इन लोगों ने लॉन्च किया है, तो ये जो रेंज है गाइस, ये सनसेट रेंज, एंड इसमें आपको 12 शेड मिल जाएंगे जो कि इंडियन स्किन टोन को ध्यान में रख के ही पूरा बनाया गया है। इसमें आपको शेड्स मिल जाएंगे प्लम, न्यूड, पिंक, ऑरेंज, रेड, जो कि सारे शेड्स आपको इनमें मिल जाएंगे। ब्राउन भी मिल जाएगा, तो आप अपने लाइक अकॉर्डिंग जो भी आपको शेड पसंद हो, आप 12 शेड में से कोई भी शेड परचेज कर सकते हैं। सो इसके रिटेल प्राइस है गाइस 650 रुपीज़। इसमें आपको ईच में 7 ml प्रोडक्ट मिल जाता है। सो चलिए फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम इसकी पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी पैकेजिंग आपको ऐसा पेन काइंड ऑफ पैकेजिंग मिल जाती है, एंड इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी फॉर्मल सी लगती है। अगर आपके पास बहुत सारे लिपस्टिक है लॉरियल पेरिस की, तो आप शेड्स इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको शेड नंबर मिल जाता है, शेड का स्टिकर मिल जाता है, जो लिपस्टिक एक्चुअल में है उसी कलर का जो स्टिकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कौन सा कलर आपको लगाना है। तो पैकेजिंग वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इसकी एप्लीकेटर की बात करूँ तो जो लिक्विड लिपस्टिक होती है उसमें एप्लीकेटर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना नहीं आता है, तो एप्लीकेटर से ही पता चलता है कि आप जो है लिपस्टिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका एप्लीकेटर देख सकते हैं, ये एप्लीकेटर आपको लीफ काइंड ऑफ एप्लीकेटर मिलता है। लिक्विड लिपस्टिक में अगर एप्लीकेटर थोड़ा सा भी अच्छा ना हो तो वो अप्लाई नहीं हो पाता है। ये जो एप्लीकेटर है इसका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ये आपके इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, यहाँ तक कि आपका जो क्यूपिड बो है वहाँ पे भी बहुत इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप अपने लिप्स को प्रिसाइज कर पाएंगे। ये बैंड हुआ हुआ है तो उसकी वजह से लाइक बहुत ही अच्छे से हर जगह पर ये पहुँच जाता है, एंड जो लिप्स है वो बहुत ही अच्छे से शार्प आप लिपस्टिक जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्वच इसका करके बताती हूँ। सो इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये फुल वाटरी इसकी कंसिस्टेंसी है। जब मैं इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई वाटर अप्लाई कर रही हूँ जो कि टिंटेड वाटर है, एंड इतना ज़्यादा ये सुपर स्मूथ जा रहा था। एंड ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये फुल रनी है, ये रनी बिल्कुल नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है ये वाटरी है, एंड प्लस ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिप्स पे इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा, आपको बिल्कुल भी हैवी फीलिंग नहीं देगा। अगर नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक की बात करूँ तो अगर आप एक बार लाइक लिप्स पे अप्लाई करते हैं, आप उसे वापस रीअप्लाई नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा केकी सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, चैप्ट हो जाते हैं। बट इस लिपस्टिक के साथ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इसे अगेन बिल्डअप कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं, 4 से 5 घंटे बाद भी अगर आप अगेन इसे रीअप्लाई करते हैं तो भी आपको ऐसा केकी चैप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप बाम नहीं लगाते हो, भूल जाते हो, आपकी ड्राई लिप्स हैं, तो भी आपको ड्राइनेस नहीं देने वाला है, इतना ज़्यादा जो इसका अच्छा सा फॉर्मूला है, हैवी भी नहीं है, कम्फर्टेबल है लिप्स के ऊपर। तो ये जो लिपस्टिक है गाइस, ये आप जब लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा शाइनी फीलिंग देंगे, बट इसको थोड़ा सा सेट होने दीजिए, उसके बाद ये सुपर मैट हो जाती है, लाइक फुल एकदम हैवी वाली मैट नहीं लगती है, ये सैटिन मैट आपको लगेगी, कंफर्टेबल रहती है लिप्स के ऊपर, बट ऐसा नहीं है कि इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने इसे लगा रखा है एंड आप देख सकते हैं इसका जो ट्रांसफ़र, आप देख सकते हैं फुल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। आप कुछ खा रहे पी रहे तो इजीली ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, थोड़ा सा आपको जो है टिंट चला जाएगा, बट लिपस्टिक एज इट इज़ आपके लिप्स पे रहेगी। ये जब आप लगाते हैं तो थोड़ा सा शाइनी आपको फीलिंग देता है, बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तो वो थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी लगेगा, वैसा आपको फीलिंग नहीं आती है, ये फुल मैट जैसा रहता है, ऐसे करने पे भी आपको स्टिकी फीलिंग नहीं देता है, कंफर्टेबल रहती है। सो इसकी स्टेइंग पावर की बात करूँ तो इसके जो डार्क शेड है प्लम, रेड, ये जो शेड है गाइस, ये 5 to 6 hours तक आपके लिप पे रह जाएंगे, बट आप कुछ खा रहे हैं तो ये फेड नहीं होता है, ये अपना स्टेन छोड़ देता है, लाइक लिपस्टिक हट जाती है बट स्टेन जो होता है लिप पे बहुत अच्छा सा रह जाता है, टिंट अच्छा सा रह जाता है, तो बहुत ही गंदा सा नहीं दिखता है, अच्छा ही लगता है। अगर आप उस पर लिप बाम रीअप्लाई करना चाहते हैं या लिपस्टिक को अगेन रीअप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जो लाइटर शेड है, जो न्यूड, लाइट पिंक एंड जो लाइट ऑरेंज कलर से, ये सारे जो कलर्स है ये जल्दी फेड आउट हो जाते हैं, ये 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे में भी हट सकते हैं, एंड हटने के बाद ये कोई भी टिंट नहीं छोड़ता है। तो चलिए फिर इनके हम लोग स्वचेस देख लेते हैं। Thank you.
आज का रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। आप डेफिनेटली इन लिपस्टिक्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इस रेंज में कोई भी लिपस्टिक पसंद आ रही है, इसका फॉर्मूला सच में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बिल्कुल नहीं लगता लिपस्टिक हमने अप्लाई कर रखी है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।